अस्सलाम वालेकुम। एक नया डिज़ाइन पर एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन देखने में इस तरह से है कि इसके सेंटर में हमने फूल बनाया है। आपको जो सा कलर पसंद हो आप उस कलर का ये फूल बना सकती हैं। चले हम ये डिज़ाइन शुरू करते हैं और देखते हैं कि फेस मास्क बैंड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये डिज़ाइन बनता कैसे है और बन जाने के बाद इसका साइज कितना है, आइए देखते हैं। मैजिक रिंग बनाएंगे। एक चेन उतार लिया, अब मजीद तीन चेन इस दायरे के अंदर हाफ डबल क्रोशिया, दो चेन और हाफ डबल क्रोशिया, दो चेन हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हम आठ मुकम्मल करेंगे। ये हमने आठ घर मुकम्मल कर लिए या आठ रूम्स, एक दो तीन चार पाँच छ सात, दो चेन। अब हम इस डोर को खींचकर इस दायरे को बंद कर लेंगे ऐसे, एक दो। दूसरे चेन के अंदर क्रोशिए को दाखिल करते हुए हम डोर को बदल लेंगे। अब यह धागा बदलेंगे, स्लिप नॉट बना के रखी हुई है, इस तरह से ये हम धागे को बदल लेंगे। यहाँ पर एक दो तीन चेन, इस घर के अंदर ये जो पहला घर है इसके अंदर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार। क्रोशिया को निकाल लेंगे, चार डबल क्रोशिया तीन चेन, एक दो तीन, तीसरी चेन के ऊपर क्रोशिया को दाखिल करते हुए बैक लूप की मदद से इसको हम बंद करेंगे। ये पॉपकॉर्न स्टिच बन गया, इसको बंद किया, दो चेन। अब हम अगले घर की तरफ आ जाएंगे। यहां पर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। क्रोशिया को निकाल लिया, पहले डबल क्रोशिया के ऊपर से क्रोशिया को दाखिल करते हुए इस तरह से बैक लूप की मदद से इसे हमने बंद कर लिया, दो चेन। अब ये मजीद हम आठ पॉपकॉर्न स्टिच बनाकर मुकम्मल करके वापस आते हैं। आठ पॉपकॉर्न स्टिच बन गए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, दो चेन। अब हम धागे को फिर से बदलेंगे, इस पॉपकॉर्न स्टिच के यहां पर बैक पर स्लिप स्टिच की मदद से इसे हम बंद करेंगे इस तरह से। चार चेन बनाएंगे, एक दो
तीन, चार, यहां पर नेक्स्ट में तीन डबल क्रोशिया जो मुकम्मल नहीं होंगे, इस तरह से उनका हम एक क्लस्टर बनाएंगे, इस तरह से इन सबको एक साथ निकाल देंगे, तीन चेन का हम पिको बनाएंगे, यहां से इस पिको को बंद करेंगे, फिर चार चेन, दो तीन चार, और चार चेन हमने यहां पर इसी घर के अंदर सिंगल क्रोशिया की मदद से इसे हमने बंद करना है इस तरह से। यहीं पर हम चार चेन नेक्स्ट के अंदर तीन क्लस्टर, एक दो तीन, ये डबल क्रोशिया है जो मुकम्मल नहीं है, इन सबको एक साथ निकाल कर एक दो तीन चेन का पिको, और फिर इनको यहां से हमने बंद करना है। अब यहां पर चार चेन, एक दो तीन चार, और यहां पर इसको उसी घर के अंदर सिंगल क्रोशे की मदद से बंद करना है इस तरह से। ये हमने सारे इसी तरह बनाने हैं यहां तक। ये देखिए ये मुकम्मल हो गया, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। इसके बाद यहां पर अब हम चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार, और चार चेन को हम यहां पर ये पीछे ये देखें यहां पर इस क्लस्टर के इस जगह पर स्लिप स्टिच की मदद से इसे हम बंद करेंगे, फिर चार चेन, एक दो तीन चार चेन, और ये नेक्स्ट क्लस्टर के टॉप से यहां से इसको स्लिप स्टिच की मदद से बंद करेंगे, एक दो तीन चार, और फिर नेक्स्ट यहां से इसे हम बंद करेंगे। इस तरह से ये हम आठ मुकम्मल करेंगे। ये हमने आठ मर्तबा जो चार चेन से बनाया है ये मुकम्मल कर लिया, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब हम यहाँ पर डोर को फिर से बदलेंगे, हमने किसी भी डोर को काटना नहीं है, उसको हमने साथ साथ चलाते रहना है। यहाँ पर हम डोर को ये पहली चार चेन के साथ स्लिप स्टिच की मदद से इसे हम बंद कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक दो तीन चेन बनाएंगे, और इसी घर के अंदर एक दो तीन और ये चार डबल क्रोशिया से ये मुकम्मल किया। तीन चेन भी एक डबल क्रोशिया ही माना जाता है। यहाँ पर हम तीन चेन लेंगे और आगे यहां पर ये जो नेक्स्ट है इसके अंदर पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हो गया, दो तीन चार और ये पांच। ये देखें
इसके पीछे, यहां पर और यहां पर, यहां पर और यहां पर। अब हम इसको पलट लेंगे। पहले स्टिच को छोड़कर दूसरे स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच की मदद से इसको आगे बढ़ाएंगे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच स्लिप स्टिच हो गए। एक, दो, तीन चेन हो गई। अब इसके अंदर हमने एक, दो और ये तीन डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह से ये टोटल चार डबल क्रोशिया बन गए। यहां पर तीन चेन, और यहां पर हमने चार डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन और ये चार। इसको घुमा लिया, पहले स्टिच को स्किप किया, दूसरे के अंदर एक स्लिप स्टिच की मदद से हमने आगे बढ़ना है। एक, दो, तीन और ये चार स्लिप स्टिच, तीन चेन। अब हमने यहां पर दो डबल क्रोशिया, इस तरह से ये टोटल तीन डबल क्रोशिया माने जाएंगे। तीन चेन और आगे हम तीन डबल क्रोशिया। इस तरह से इसको वापस से घुमा लिया, पहले को स्किप किया, दूसरे के अंदर स्लिप स्टिच की मदद से आगे बढ़ेंगे। तीसरे के अंदर भी स्लिप स्टिच, अब दो चेन और दो डबल क्रोशिया। यहां पर आठ चेन, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, ये आपकी मर्जी, आपके पास जो बटन है उसके हिसाब से आपने ये चेन बनानी है। ठीक है, दो डबल क्रोशिया, एक, एक और, दो चेन और स्लिप स्टिच की मदद से इसको हमने बंद कर लिया। डोर को हमने काट लिया। देखिए ये मुकम्मल हो गया। अब हमने यहां पर भी इसी तरह से बनाना है। अब हमने इन दो फूलों की पत्तियों से यहां पर से शुरू करना है। इसको हमने इस तरह से घुमा लिया, ये देखें, ये चार की चेन और ये चार की चेन, यहां से हमने शुरू करना है। यहां से हम क्रोशिए को दाखिल करेंगे, स्लिप नॉट बनाई हुई है, अब हम इसके ऊपर एक चेन बना लेंगे इस तरह से, ताकि ये डोर मजबूत हो जाए। अब यहां पर एक चेन बन चुकी, दो और ये तीन। अब हम यहां पर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन और ये चार, ये चार डबल क्रोशिया और ये एक चेन, पांच, एक, दो, तीन। अब ये अगली चेन में हम आ गए, यहां पर पांच डबल क्रोशिया, एक, दो, तीन, चार
और ये पांच। अब हमने इस तरफ को बिल्कुल इसी तरह से मुकम्मल करना है। इसी तरह से मुकम्मल करना है यहां पर। फेस मास्क बैंड बनकर मुकम्मल हो गया। ये देखिए, ये इस साइड से इस तरह से, बीच में फूल और ये इस तरह से। अब यह जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हम गुम सिलाई की मदद से गायब करेंगे और यहाँ पर बटन लगाएंगे। फेस मास्क बैंड बनकर मुकम्मल हो गया और बटन भी लग चुके। अब हम इसे करीब से देखते हैं कि देखने पर ये डिजाइन हमें किस तरह से दिखेगा। तो ये डिजाइन कुछ इस तरह से है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द अपनी नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।